एरुआ उई चलो चलो कहानी सुनने चले, सब तैयार? एक दो तीन। बहादुर खरगोशों ने बदमाश भेड़िये को कैसे मजा चखाया, सुनते हैं उसी की रोमांचक कहानी। कहानी का शीर्षक है थोड़ा सा और। ओरिजिनल स्टोरी लिटिल बाय लिटिल बाय अनुपा लाल। हिंदी में अनुवाद किया है अनुपा लाल और चित्र बनाए हैं अजीत नारायण। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। एक जंगल में दो खरगोश भाई रहते थे। एक का नाम था टुल्लू और एक का नाम था बुल्लू। उन्होंने एक मजबूत घर बनाया था और उसमें खुशी खुशी रहते थे। एक दिन जब बाहर बहुत ठंड थी, दोनों भाई आग जलाकर अपने घर में आराम से बैठे थे। अचानक किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया, टक 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 टक। टुल्लू ने खिड़की से झांका, बाहर एक बड़ा काला भेड़िया खड़ा था। मैं ठंड में मरा जा रहा हूं, भेड़िये ने कहा। मुझ पर दया करो, अगर तुम दरवाजा थोड़ा सा खोल दोगे तो मैं अपनी पूंछ गरम कर लूंगा। मुझसे डरो मत, डरो मत। टुल्लू और बुल्लू को दया आ गई। उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और भेड़िये ने अपनी पूंछ अंदर कर ली। 10 मिनट के बाद भेड़िया बोला, मजा आ गया प्यारे खरगोश, दरवाजा थोड़ा सा और खोल देते तो मैं अपनी पिछली टांगे भी गरम कर लेता। घबराने की कोई जरूरत नहीं। टुल्लू और बुल्लू ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर टुल्लू ने दरवाजे को थोड़ा सा और खोला और बुल्लू ने आग पर एक पानी का पतीला रख दिया। 10 मिनट बाद भेड़िया बोला, तुम लोग कितने अच्छे हो, कितने दयालु हो। अगर तुम दरवाजा थोड़ा सा और खोल दोगे तो मैं अपनी अगली टांगे भी सेक लूंगा। डरना नहीं, मैं खरगोशों को हाथ नहीं लगाता। टुल्लू और बुल्लू ने पानी के पतीले की ओर देखा। पानी गर्म हो रहा था। उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा और खोला। अब सिर्फ भेड़िये का मुंह घर से बाहर था। 10 मिनट के बाद भेड़िया बोला, ओहो कितना आराम मिल रहा है, बस मेरी नाक को ठंड लग रही है। प्यारे दोस्तों, दरवाजा थोड़ा सा और खोल दो, मैं अपनी नाक भी गर्म कर लूं। घबराना बिल्कुल नहीं, समझे? ठीक है, टुल्लू ने कहा, तुम अपनी नाक भी गर्म कर लो। उसने दरवाजा थोड़ा सा और खोला और बुल्लू ने उबलते पानी का पतीला उठाया। भेड़िया पूरी तरह से घर में घुस गया, मुड़ा और खरगोशों पर लपका। वे तैयार ही थे, उन्होंने तेज गर्म पानी सीधा भेड़िये पर फेंका। भेड़िया चीखा और बाहर भागा, मैं वापस आऊंगा। जाते जाते वो चिल्लाया, और तुम्हें चीर फाड़ कर कच्चा खा जाऊंगा। टुल्लू और बुल्लू अपने घर की छत पर चढ़कर छिप गए। थोड़ी देर बाद भेड़िया और भेड़ियों को लेकर आया। सबने मिलकर घर का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गए। घर खाली था। वे रहे खरगोश, एक भेड़िये ने बाहर जाकर छत की ओर इशारा किया। चलो सीढ़ी बनाओ, एक और भेड़िये ने कहा, अभी पकड़ते हैं उनको। एक के ऊपर एक खड़े होकर भेड़िये सीढ़ी बनाने लगे। जला हुआ भेड़िया सबसे नीचे था। जैसे ही सीढ़ी छत तक पहुंचने लगी, टुल्लू चिल्लाया, जान बचा लो, और गर्म पानी आ रहा है। डर के मारे जले हुए भेड़िये की जान निकल गई। नहीं नहीं मत फेंको, वो चीखा और वहां से भागा। सीढ़ी टूटी और भेड़िये धड़ाम से इधर उधर गिर गए। लंगड़ाते बड़बड़ाते वो चले गए और लौट कर कभी नहीं आए।
टुल्लू और बुल्लू नीचे आए, घर के दरवाजे की मरम्मत की और फिर से खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म। मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।